और उनसे बात करते हैं दीपक जी गुड आफ्टरनून सॉरी थोड़ा सा आपको आज हमने होल्ड करा दिया पहले तो ये सुदर्शन केमिकल पर कोई व्यू है क्या जस्ट आउट ऑफ द बॉक्स अगर आपने ट्रैक किया उस स्टॉक को तो हाँ हमारे पास हुआ करता था ये पहले आ, अनुजी इनफैक्ट आई फील बैड आई डोंट ओन इट टुडे क्योंकि जो उन्होंने डील की है बहुत अच्छी डील है <laughs> सच कहूं तो ये ये इन्होंने ऑलमोस्ट इंसॉल्वेंसी के अंडर उनके काफ़ी सब्सिडरीज थे यूबैक ग्रुप के और उनका एक कंपनी है इंडिया में भी लिस्टेड है यूबैक कलरेंट्स जिसमें आई थिंक प्रोमोटर ओन्स फिफ्टी फोर परसेंट और ये सुदर्शन इफेक्टिवली प्रोमोटर हो जाएंगे अगर मैं डील को सही सही पढ़ रहा हूँ तो देन सुदर्शन एज अक्वायर्ड द पेरेंट ऑफ यूबैक कलर इंडिया सो so, उस कंपनी की मार्केट कैप डेढ़ हज़ार करोड़ के करीब है तो इफ़ेक्टिवली आठ सौ करोड़ तो उनको वो उस सब्सिडी से ही मिल गए और बाकी वो अबाउट सिर्फ चार सौ करोड़ और दे रहे हैं थाउजेंड वन हंड्रेड सेवेंटी करोरस और इस कंपनी की टर्न हुआ करती थी वन बिलियन यूरो 2021 और 2022 में फिर कम हुई है क्योंकि वो काफ़ी इश्यूज में थी और क्योंकि इन्होंने इंसॉल्वेंसी में एक्वायर किया उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है दे हैव अक्वायर्ड द एसेट्स इन बिजनेस ऑफ नॉट द लाइबिलिटीज मतलब अगर इनका कोई डेट था तो वो डेट इन पर शायद रिफ्लेक्ट नहीं होगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सिक्वेंस uh, है और इसी का मैं मैं मुझे पहले पता था कि डील हो रही थी मैं ये देख रहा था कि अच्छा ये डेट का फिर क्या होगा सुदर्शन की डेट बहुत कम है Uh, अगर आप uh, बड़ी वाली डेट सुदर्शन के ऊपर डाल देंगे तो फिर वो तकलीफ़ उनके ऊपर आ जाएगी पर इन्होंने दे हैव नॉट मैंशनड एनी डेट बीग ट्रांसफर्ड और बींग रिफ्लेक्टेड इन द बिजनेस तो ये इन लोगों ने सिर्फ एसेट्स uh, uh, और बिजनेस को अक्वायर किया है अंदर कलर बिजनेस विच इज़ अ गुड थिंग और अगर इसकी टर्न uh, ओवर uh, वो वापस लेके आ सकते हैं वहाँ पर तो उनकी टर्न भी एक तरह से ऑलमोस्ट डबल हो सकती है तीन चार दो तीन साल में और जिस तरह से वो मार्जिनस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे उस पर उनका प्रॉफिट भी डिपेंड करेगा रिलेटिवली लो कॉस्ट है इनके लिए डील लेकिन उनको शायद बैंक क्रप्सी में मिली है uh, मतलब कुछ उनके सब्सिडीज बैंक्रप्सी में थे इसलिए आई थिंक उनको डील अच्छी मिली है तो आई थिंक आगे जाके देखना पड़ेगा मैनेजमेंट क्या होती है बट ऑन द फेस ऑफ़ इट लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग हम इसको किया करते थे हमें शायद मार्केट में। तो आपके पास कभी में और कौन, कौन से स्टॉक्स हैं अभी हमारे पास ऑलमोस्ट वेरी लिटिल इनफैक्ट सुदर्शन सुदर्शन एक ऐसा प्लेयर था पिगमेंट्स में जो हमें बहुत अच्छा लगता था इसके Uh, अलावा हमारे पास एस आर एफ हुआ करता था uh, अलग स्पेस में है पर फिर भी uh, वो uh, दोनों कंपनीज हमने मतलब बहुत पहले से वी एड कट डाउन द पोजिशंस केमिकल्स और फार्मा में अब इंटरेस्ट आया था अब और दो तीन महीने पहले से तो हम कह रहे थे कि देखो अब रिजल्ट आने के बाद वी विल चूज समबडी सम द स्पेस बट सुदर्शन लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग लेटेस्ट सी अगर कॉमेंट्री uh, के बाद अच्छा लगे तो इवन एट दिस प्राइस इट मे स्टिल भी इंटरेस्टिंग सौ आठ पर आ चुका है इनफैक्ट आज की डेवलपमेंट के बीच ये स्टॉक का दीपक गुड आफ्टरनून मैं आपकी राय कमेंट्स पर लेना चाहती हूँ क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा शॉकर लगा है गोल्डमैन की रिपोर्ट के बाद ऑफ कोर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स उन्होंने हाईलाइट किए हैं कि, है कि देखिए जेनसेट्स की ओवरऑल प्राइसिंग वो सी पी लागू होने के बाद पच्चीस तक बढ़ गई है दूसरी चिंता की बात यह है कि ओवरऑल इस इस तरह के डीजल जेंसेट्स की डिमांड भी आगे चलकर कम होती दिखाई देगी। हाउ इट रियली प्ले आउट इन टर्म? क्या कंपनी को को अपने आप करना पड़ेगा फिर? आ, ऐसे कमिंस पे हम ट्रैक ज़्यादा नहीं करते हैं, लेकिन इसमें ऐसी तो देती है इंक्लूडिंग रियल एस्टेट। अगर आप गुड़गांव में जाए बैंगलोर में जाए ऑलमोस्ट एवरी बिल्डिंग अपार्टमेंट बिल्डिंग हैज़ अ जेनसेट जिसमें आपके यू नो गीज़र्स और फ्रिज सब सब चलते हैं केस पावर चला जाता है बॉम्बे में तो नहीं होता बॉम्बे में तो पावर जाता ही नहीं है मोस्टली सो so, लेकिन अगर पूरी इंडिया बॉम्बे की तरह हो जाए तो येस yes. रेजिडेंशियल uh, का उनका डिमांड और फिर कमर्शल का भी उनका डिमांड कम हो जाएगा पर अगर आप फैक्ट्रीज में जाएंगे तो उनको बैकअप जेंसेट्स फिर भी अगर uh, uh, आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो यू नीड बैकअप जेंसेट्स एनी आपको बड़े और छोटे जेंसेट्स आपको uh, ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी और अगर ये स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इंडिया में बढ़ते गए तो आई थिंक इनका जो डिमांड है वो भी बढ़ता जाएगा uh, ये ज़रूर है कि थोड़ा सा रिस्क होगा जब uh, इंडिया की पावर सिचुएशन जैसे बेटर होती जाएगी तो शायद इनका डिमांड थोड़ा सा कम होगा पर मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट डेकेड में उनका इतना कम हो जाएगा कि इनकी डिमांड की इम्पैक्ट पड़ेगी आई थिंक इंडिया नीड्स जेंसेट्स स्पेशली पोर्टेबल जहाँ जहाँ पे आप मतलब आजकल तो लाइक uh, like, जैसे शादियों में ग्राउंड में शादियाँ होती हैं वहाँ पे भी जेंसेट वो मोबाइल uh, वाली जेंसेट लेके जाते हैं सो दैट वे आई थिंक डिमांड बढ़ती जाएगी कमेंस की जो Uh, थोड़े से इनोवेशन जैसे साउंड रिडक्शन वाले इनोवेशन हैं वगैरह दैट मेक्स इट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेयर्स लेकिन मैंने कंपनी को ट्रैक नहीं किया तो मेरे पास फाइनेंशियल में कुछ ज़्यादा आई डोंट है कॉमेंट लेकिन ओवरऑल uh, इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी पे आई थिंक लॉन्ग टर्म बेट्स इन पर लगाए जा सकते हैं इनका प्राइस थोड़ा ज़्यादा ही है वैसे सारे कंपनीज आजकल उनके प्राइस ज़्यादा हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान से मतलब परख के देखना चाहिए कि कब आप एंट्री करोगे

ये अब 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 से नवंबर तक आई थिंक बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा क्योंकि अभी यू लुक एट द मेंटालिटी ऑफ द इंट्रा डे ट्रेडर इन ऑप्शन मतलब आप तो शायद ज्यादा ही जानते होंगे क्योंकि आप आ, आपके चैनल पे यू you नो know, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स आते हैं बट एक आ, ऐसा भी टाइप है जो ब्रोकर ब्रोकरेज पे सुबह आके पैसे लगा के शाम को पैसे ले जाते हैं और वो डेली एक्सपायरी इसलिए प्ले करते हैं क्योंकि उसमें प्राइसेस बहुत कम होते हैं डिके बहुत ज़्यादा होता है तो एक तरह का या तो आप हीरो बन जाते हो या जीरो वाला वो उस तरह का गेम हो जाता है तो वो गेम की वजह से वो आई थिंक लोग ज़्यादा आते हैं वहाँ हारते भी बहुत ज़्यादा हैं वीकली एक्सपायरी इसका निकल को निकालने का मतलब है कि कुछ लोग जो पाँच दिन आ, हफ्ते में खेलते थे इस इस गेम को और जिस गेम की तरह ही खेलते थे वो अब सिर्फ दो दिन खेल पाएंगे ये नहीं होगा कि वो अपने पैसे बचा के मतलब पांच गुना या तीन गुना उस एक दिन में डालें वो एक्चुअली उतना ही पैसा होगा उनके पास और उतना ही खेल उतना ही वो प्ले करेंगे लेकिन वो दो दिन हफ्ते में प्ले कर पाएंगे वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज होंगी शायद नवंबर ट्वेंटी के बाद और मार्केट शेयर बी का थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा लेकिन जितनी मार्केट शेयर इंक्रीज होगी उससे कई गुना ज़्यादा उनका जो टोटल वॉल्यूम का जो प्रेशर है वो कम होगा काफ़ी मुझे मेरे हिसाब से ये है कि नियरली फोर्टी टू सिक्सटी परसेंट वॉल्यूम्स कम होंगे दोनों प्लेयर्स में और आ, आ, इसकी वजह से दोनों का इनकम कम ही होगा दूसरी एक और चीज़ है कि सभी ने एक और रेगुलेशन निकाल ली थी आ, लोगों ने ज़्यादा उसको देखा नहीं है वो एक तरह से ये है कि वो कैलकुलेट करेगा आपके वॉल्यूम्स और वॉलटिलिटी के हिसाब से कितना आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए आपके सेटलमेंट गारंटी फंड में आ, पिछले साल रफली सितंबर क्वार्टर या फिर दिसंबर आई डोंट रिमेम्बर विच एक क्वार्टर में आ, काफी नियरली एटी नाइनटी परसेंट ऑफ द प्रॉफिट जो उन्होंने बनाए थे क्वार्टर के वो चले गए थे क्योंकि एस को इंक्रीज करना पड़ा अब जो नई कैलकुलेशन आई है उससे वो वो अमाउंट बीएससी के लिए एनएससी के लिए उतना नहीं है बट बीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा हो सकती है तो ये दोनों डाउनसाइड रिस्क हैं बीएससी में लेकिन अपसाइड ऑफ कोर्स यही है कि मतलब मार्केट शायद थोड़ा सा बेटर हो जाए मैं जरा सा वार्निंग ही देना चाहता हूँ यहाँ पे कि लोग इसको पॉजिटिव ही सुन रहे हैं बट एक्चुअली न्यूज़ में काफ़ी नेगेटिविटी है तो थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे ऑपरेट करना चाहिए आई थिंक नवम्बर ट्वेंटी के बाद ही पोजिशन लें देखने के बाद की वॉल्यूम्स कितने चेंज होते हैं बिल्कुल अच्छा अब एक जो वीकेंड पे डेवलपमेंट हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि चाइना का अगला स्टिमुलस कितना बड़ा होगा मेटल्स पर अब आपका क्या व्यू होगा एक्चुअली चाइना के चाइनीज स्टिमुलस अगर आना होता तो अब तक तो आ ही जाता क्योंकि uh, काफ़ी बिल्डअप हुई कि लास्ट क्वार्टर में लास्ट महीने में आई थिंक तीस मार्केट इंक्रीज हुई है और फिर कूल डाउन इसलिए हुई कि कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है इस टाइम पे कि यू नो चेंज चेंजेस के चेंजेस के बारे में uh, uh, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्टिमुलस आएगा फ्रॉम देयर इंटरेस्ट रेट्स एंड फ्रॉम सम ऑफ देयर लोन रिपेमेंट और रियल एस्टेट पे पर वो ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि uh, उनके जो प्रेशर्स हैं अभी कि अगर और अगर इंक्रीज करें रियल uh, एस्टेट को बढ़ावा दें तो उनके जो करेंट ओवरफ्लोइंग सिचुएशन है वो आई थिंक वो और यू नो कॉम्प्लिकेट हो जाएगी अगर लोग और बिल्ड करना स्टार्ट कर दें तो इस वजह से मुझे नहीं ये नहीं लगता कि आई uh, इंक्रीज करेंगे किसी मीनिंगफुली स्टिमुलस uh, uh, को लेकिन थोड़ा ज़रूर देंगे uh, मुझे लगता है कि उनके उनके पास देने के लिए ज़्यादा स्कोप नहीं है दे लैव टू गिव इट पीस मील और थोड़ा सा डायरेक्शन दे के देंगे तेरफ uh, मेटल्स में मुझे भी ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट भी नहीं आता क्योंकि वो आ, वर्ल्ड इकोनॉमी में स्लो डाउन नजर आ रहा है और इन जनरल मेटल्स की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो रही है आ, वर्ल्ड वाइड सो आई थिंक उससे प्राइसेस के करेक्शन होने की संभावना ज्यादा है मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि प्योर मेटल्स में प्ले करना अभी ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा ओके okay, चलिए दीपक जी बहुत-बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए हैप्पी दशहरा एंजॉय योर वीकेंड